जय श्री राम। आज हम बात करेंगे नवांश कुंडली के 12वें भाव के बारे में, यानी ये था नवांश कुंडली का सबसे अंतिम भाग। अभी तक हम सभी 11 भावों के बारे में बात कर चुके हैं। जब हम लग्न कुंडली देखते हैं तो 12वें घर से क्या देखते हैं? खर्च देखते हैं, नुकसान, इन्वेस्टमेंट या एक्सपेंडिचर, यात्रा, विदेश यात्रा, दूरी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये सब हम 12वें घर से देखते हैं। क्योंकि ये लग्न का 12वां है, इसलिए इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। जेल भी, अस्पताल भी, आश्रम भी, इसमें बहुत सारे कारकत्व होते हैं। लेकिन स्पेशली आपको कौन सा कारकत्व मिलने वाला है वो दशा पे भी निर्भर करता है और वो कुंडली में ग्रहों की स्थिति पर भी निर्भर करता है। हम यह देख रहे हैं नवांश का 12वां भाव, यानी ये आपके विवाह की कुंडली यानी नवांश कुंडली के लग्न से 12वां स्थान है, जिसको हम क्या कहते हैं? खर्च और नुकसान। किस चीज का खर्च नुकसान होता है? आपके विवाह का खर्च है ये, आपके विवाह का नुकसान है ये। यानी बहुत अच्छा भाव तो नहीं कहा गया 12वें भाव को, किसी भी वर्ग कुंडली के लिए, चाहे वो लग्न कुंडली हो या बाकी अन्य 16 षोडश वर्ग कुंडलियां हो, उनसे जो 12वां स्थान है वो खर्च का ही होता है। जब नवांश का 12वां घर खर्च की बात करता है तो ये हमारे नवांश कुंडली यानी हमारे विवाह के खर्च, यानी जिस विवाह को चलाने के लिए हम अपने जीवन में एफर्ट्स लगा रहे हैं या अपने आप की फीलिंग्स को खर्च कर रहे हैं, क्या वो फीलिंग्स कामयाब हो रही है या नहीं हो रही, ये 12th हाउस है। इसलिए शास्त्र कहता है कि 12वें घर के अंदर कोई ग्रह ना हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर कोई भी ग्रह इसके अंदर जाएगा तो वो खर्च होगा। इससे पहले हमने बताया था 11वें में कोई भी ग्रह गया तो वो वृद्धि हो जाएगी, इसलिए 12वें में कोई ग्रह गया तो वो खर्च होगा। अब जब खर्च होने की बात आती है तो कोई ना कोई भाव का स्वामी ही तो वहां जाके बैठेगा। अगर आपके लग्न का स्वामी ही 12वें घर में बैठ गया है, मान लीजिए नवांश कुंडली के लग्न का स्वामी 12वें घर में है, तो वो क्या करता है? नवांश कुंडली का लग्न आपके शादी की इच्छा और इच्छा पूर्ति कराने वाले ग्रह कौन है? वो लग्नेश है, वो 12वें घर में गया तो इच्छा पूर्ति होने में विलंब है। हमारी इच्छा पूर्ति 12वें घर में चली गई यानी खर्च हो गई। बहुत बार व्यक्ति राइट डायरेक्शन में प्रयास ही नहीं कर पाता है और उसकी शादी डिले पे डिले, डिले पे डिले होती चली जाती है। 12th हाउस के अंदर कहा गया है कोई ग्रह ना हो तो अच्छा, हो तो शुभ ग्रह हो तो अच्छा, उसका स्वामी उसी में बैठा हो तो भी अच्छा, लेकिन अशुभ प्रभाव बिल्कुल भी ना हो। क्योंकि अब अगर 12वें घर पे अशुभ प्रभाव है, जैसे 12वें घर के अंदर अशुभ ग्रह बैठे हों बस वो स्वराशि के ना हो, या उस वो खाली हो भाव, उस पे अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो, तो ये क्या है? आपका बेडरूम का भाव है। और जब आपका बेडरूम ही खराब है तो आप भले ही सामाजिक रूप से अच्छे दिखाई देते हों लेकिन अंदरूनी रूप से आपकी मैरिड लाइफ यानी आपका बेडरूम या आपका सेक्सुअल डिजायर्स खराब हो रही हैं, आपके रिलेशनशिप्स खराब हो रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम शुरू हो गई, समाज को कुछ और बताया जा रहा है लेकिन एग्जैक्टली में प्रॉब्लम क्या हो रही है कि भाई इन दोनों के बीच में जो सेक्सुअल रिलेशनशिप्स हैं वो खराब हैं। ये दिन भर भी लड़ते हैं और जब रात होती है तो 12th हाउस सोने का है, बेडरूम का है, तो भाई जिसके मन दिन में ही नहीं मिलते हैं उसके रात में क्या मिलेंगे? यानी एग्जैक्टली ये 12th हाउस से देखा जाएगा। यही स्थिति आपके 12वें घर में होती है। अब 12वां घर क्या है? 7वें घर से छठा है। सप्तम का मालिक खर्च स्थान में पहुंच गया, मेरी पत्नी पैसे को रुकने ही नहीं देती, बहुत खर्च करती है, उस खर्च को लेकर लड़ाई होती है, उस खर्च को लेकर डिस्प्यूट्स होते हैं और वही खर्च बाद में रिलेशनशिप्स के ऊपर आ जाता है। यानी अगर लगन का स्वामी 12वें में है तो क्या नुकसान है वो बताया, लेकिन सप्तम का स्वामी भी अगर 12वें में गया तो वो अपने से छठे के अंदर गया है, ये भी स्थिति क्या है? ये भी विवाह में परेशानी देने वाली है। पहले तो ये विवाह कराने में परेशानी देगी, बाद में ये विवाह चलाने में परेशानी देगी,
आप पत्नी को रोकेंगे टोकेंगे, उसका हाथ कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, वो करेंगी नहीं, डिस्प्यूट्स होंगे। तो छठा क्या है? रोग ऋण शत्रु। और ये गया है 12वें में, तो यहां से डिस्प्यूट्स पैदा होता है। अब अगर 7वें का मालिक 12वें घर में अशुभ प्रभाव उस पर है तो या तो शादी होती ही नहीं है, और अगर हो गई तो चलती नहीं है, फिर उस शादी में डिस्प्यूट्स ही रहते हैं और अंततः उनका सेपरेशन भी देखा जाता है। अब 12th हाउस में मैलेफिक्स प्लैनेट्स बैठे हुए हैं तो क्या है, आपका बेडरूम खराब हो गया। अब पंचम भाव, जिसको हमारे इमोशंस, हमारी बुद्धि, हमारा लव और हमारा रोमांस है, उसका मालिक अगर 12वें घर में बैठे तो क्या हो, क्योंकि पंचम भाव हमारी बुद्धि है, वो अष्टम अपने से 8वें यानी लगन से 12वें में पहुंच गई, तो बुद्धि भ्रष्ट होनी तय है। और जब बुद्धि भ्रष्ट होनी तय है तो ये क्या है, इमोशंस, रोमांस और लव 12th हाउस में पहुंच गए। ऐसे ही लोगों के सीक्रेट रिलेशनशिप्स होते हैं या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी देखे जाते हैं, वो भी इसी ही कॉम्बिनेशन से देखा जाता है। अब दूसरे घर में क्या है, धन है, उसका मालिक अगर 12th हाउस में पहुंचता है तो आपके पास पैसा आता है लेकिन वो जुड़ता नहीं है, तुरंत खर्च हो जाता है, वो किसी ना किसी रूप में आपके वैवाहिक जीवन का इस तरीके से आप समझिए कि पत्नी को पैसा दिया तो खर्च, पति को पैसा दिया तो खर्च, अल्टीमेटली पैसा आ रहा है लेकिन रुक नहीं रहा। दूसरे घर पर भी अशुभ प्रभाव है और 12वें में भी अशुभ प्रभाव है और दूसरे का मालिक वहाँ है, तो दूसरा घर वे ऑफ टॉकिंग भी तो है, दोनों के बीच में खूब अच्छे खासे आर्गुमेंट्स होते हैं, दोनों एक दूसरे को कुछ भी बोल देते हैं। आजकल बहुत सारे लोग बाग और कपल्स में, तो मैं आपको बताऊं, जितने भी प्रेम विवाह वाले हैं, हमारे यहाँ पहले क्या होता था, जिनकी अरेंज मैरिज हुई है वहाँ लड़की ने पति का आज तक नाम ही नहीं लिया, वो उनको अजी सुनते हो ये या अच्छे संबोधन से बोलती है या बात करती है, लेकिन जिनके प्रेम विवाह हुए वो डायरेक्ट पहले तो नाम से बुलाती है, उसके बाद कॉम्बिनेशन खराब हो तो वो उसको गंदी गंदी गालियाँ भी निकालती है। ऐसे भी कपल्स हमारे सामने आते हैं जो सामने बैठ कर बोल देते हैं, तो समझ लीजिए घर में क्या मचा रखा होगा उन्होंने। अब यही 4th लॉर्ड इन 12th हाउस, अगर ये शुभ अवस्था में है तो प्रॉपर्टी पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, घर का सुख लेते हैं, और यदि यही 4थे का मालिक 12वें घर में पीड़ित हो गया है तो क्या कहेंगे कि भैया घर के सुख में कमी हो रही है। बहुत बार क्या है, 12th हाउस में पीड़ा है और 12th लॉर्ड भी खराब है, तो ये टोटल चीज 12th हाउस खराब हो गया। अब 12th हाउस में पीड़ा है लेकिन 12th लॉर्ड ठीक है तो हम इसको 50-50% मान सकते हैं। अब 4थे का मालिक वहाँ जाएगा तो पीड़ा में तो आएगा क्योंकि वह खर्च स्थान में गया है, तो प्रॉब्लम वो देगा। अशुभ प्रभाव में है तो प्रॉब्लम ज़्यादा देगा, अशुभ प्रभाव में नहीं है, शुभ में है तो फिर भी ये स्थितियाँ ठीक हैं। अब लगन का मालिक 12वें में, तो मैंने आपको बताया कि भैया लग्नेश तो इच्छा पूर्ति का भाव होता, तो इच्छा पूर्ति चाहते तो हैं शादी करना लेकिन हो ही नहीं पा रही है, लगातार किसी न किसी रीज़न से विलम्ब ही हो रहा है। तो जिन लोगों की हॉरोस्कोप्स के अंदर देखा जाए तो एक कॉम्बिनेशन यहाँ ये भी निकल के आता है कि अगर आपके लगन का स्वामी 12वें घर में है, आपके सप्तम का स्वामी भी 12वें घर में है, इन पर कोई शुभ प्रभाव नहीं है, इन पर अशुभ प्रभाव है, लगन और सप्तम पर भी शुभ प्रभाव नहीं है, तो भैया शादी होती नहीं है। फिर तो क्या होता है, बहुत लंबा समय जीवन में निकल जाता है, 37, 38, 40 साल के होते हैं लेकिन शादी ही नहीं होती है। तो ये सब चीज़ें हमें 12th हाउस में देखने के लिए मिलती हैं। आपको भी अगर कोई चार्ट्स मिले, आप 2, 4, 5, 10 कुंडलियाँ उठाओ, देखो इनकी हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप अच्छी क्यों है, या इनकी वैवाहिक जीवन अच्छा क्यों है, इनका खराब क्यों है, तो आप सिर्फ नवांश को पकड़ के उन चीज़ों को बता सकते हो, क्योंकि महर्षि पराशर जी ने नवांश कुंडली बनाई ही इसलिए है कि लोग बाग ढूंढते रहते हैं लगन कुंडली के अंदर, उनको पूरा जवाब मिलता नहीं है, लेकिन सारा जवाब आपको मिलेगा कहाँ, आपके नवांश में, क्योंकि शादी होने के बाद आप और आपकी पत्नी जीवन की बहुत सारी चीज़ों को लेकर चलते हैं, चाहे वो घर हो, परिवार हो, भाई आपकी आप हैं तो आपके मदर फादर भाई बहन, फिर पत्नी आई, पत्नी के मदर फादर भाई बहन, फिर बच्चे हुए तो परिवार बढ़ गया, तो
किससे किसके कैसे संबंध, आपकी आपके ससुराल से, वाइफ की आपकी ससुराल अपने ससुराल से, भाई बहनों से, इन लॉज से, सिबलिंग्स से, यंगर सिस्टर, एल्डर ब्रदर, ये इन सब से कैसे कैसे रिलेशनशिप होने वाले हैं, ये पूरे नवांश के 12 भावों में मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ आज हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है कि भाई सभी 12 भावों को हम कैसे ले रहे हैं। अब इसमें और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे, लेकिन पहले ज़रूरी था कि पहले आप ये तो जान लें कि एग्जैक्टली 12 भाव करते क्या है। तो ये था हमारा आज का विषय, आगे भी इसी प्रकार की जानकारी हम कंटिन्यू रखेंगे। बने रहिएगा आप सभी हमारे साथ। जय श्री राम।